मुफ्ती साहब, क्या वजह है कि जो आपने जो कांग्रेस के साथ में अलायंस और थर्ड फ्रंट और कांग्रेस का जो अलायंस था पिछले दो साल से जो चल रहा था, उसको तोड़ने का अचानक आपने फैसला ले लिया? कांग्रेस के साथ जिन हालात में हम लोगों ने बैठ किया था, हमें ये उम्मीद थी कि शहर के अंदर तरक्की होगी और शहर में रुके हुए कामों की तकमील होगी, लेकिन हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि बादले नाखास्ता ही सही, हमने उनके साथ जो पैक्ट किया था, जिन उम्मीदों के साथ किया था, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। और उसकी वजह हमें ये महसूस हुई कि मकामी तौर पर जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हैं और मकामी जो कांग्रेस का MLA है, वो हमारे तमाम तर तरक्याती कामों के अंदर रोड़े अटकाता रहा। हम पहले दिन से इस बात को महसूस कर रहे थे कि ये कॉर्पोरेशन में अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, अपोजिशन किनारे बैठी थी और ये अपोजिशन का काम ये सब कुछ कर रहे थे। इसकी दसियों मिसालें आपको कॉर्पोरेशन में मिल जाएंगी। इस वक्त जो हमने कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के साथ अलायंस था, तोड़ने का फैसला इसलिए किया कि पूरे मुल्क ही में, बल्कि यूँ कहो कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर ख़ास तौर पर जो है लाइन अंडर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है और इसकी सबसे ज़्यादा तबाही और बर्बादी अकलियतों पर, अकलियतों में भी मुसलमानों पर है कि कहीं भी कोई भी सूरत हाल बनती है जो लाइन अंडर के खिलाफ हो तो उसमें मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है। आज दुनिया के फसाद के पस मंज़र में मुसलमानों के तई जो सलूक हुआ है और लाइन अंडर की जो बिगड़ी हुई सूरत हाल सामने आई, तो पूरे शहर में महाज के हमदर्दों का, महाज के उतरों का, नौजवानों का और ख़ास तौर पर ख़वातीन का हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा कि तुम कांग्रेस के साथ यूपी तोड़ डालो। हमने भी रात में अपने तमाम कॉर्पोरेटरों को जमा किया, सबसे सलाह मशवरा किया। हमारे 30 के 30 कॉर्पोरेटर दो को आपके मिला करके सबका मुत्तफिका फैसला था कि हमको जिन दुश्वारियों का सामना है उसके पेश नज़र हमें इनके साथ नहीं रहना चाहिए और ये हालात की इजाज़त नहीं देते, इसलिए हमने अलायंस तोड़ने का सबके मशवरे से फैसला कर लिया और उसका हम ऐलान कर चुके हैं। आगे के लिए आपने क्या सोच के रखा है, आगे किसी पार्टी के साथ में अलायंस करेंगे या आप अपोजिशन में बैठेंगे? अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि कॉर्पोरेशन के अंदर हमें क्या, किन हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन कॉर्पोरेशन में आज सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। इस एतबार से हमें ये उम्मीद है कि किसी न किसी पार्टी से हमारा पैक्ट हो जाएगा और हम कॉर्पोरेशन में 5 साल अपना पूरा करेंगे। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपको कांग्रेस के साथ में अलायंस करने के बाद एक सफोकेशन जैसा लग रहा था, तो अलायंस तोड़ने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बात ऐसी थी कि जिस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा था, हमने जनता दल और कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और हम इनके साथ पैक्ट करना भी नहीं चाहते थे। पूरे मुल्क को ये बात मालूम है कि चुन के आने के बाद हम शिवसेना के पास गए, वो एक लंबी कहानी है। उससे कतः नज़र हमने जिन हालात में इनके साथ पैक्ट किया था, पूरा शहर हमसे नाराज़ था और पूरे मुल्क के अंदर जो तवक्कात लोगों ने हमसे वाबस्ता की थी, उन तवक्कात पर हम पूरे नहीं उतर सके, इसलिए हमारे दिल पर भी एक बोझ था और ज़मीर भी हमको मलामत करता था। रात हमने जब ये फैसला लिया तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारे सर पर एक बहुत बड़ा बोझ था, वो बोझ उतर गया। अलायंस तोड़ने के बाद आपके पास बॉम्बे से जिन जिम्मेदारान की मौजूदगी में आपका पैक्ट हुआ था, तो उन लोगों का फ़ोन आया या उनसे कोई रابطہ कायम हुआ? हमारा पैक्ट हुआ था, अपने कांग्रेस की तरफ से बाबा सिद्दीकी साहब आए थे और लोक भारतीय पार्टी के आमदार कपिल पाटिल आए थे, उनकी मौजूदगी में हमने पैक्ट किया था। जिस वक्त हमारी ये मीटिंग इख्तिताम तक पहुंच रही थी तो बाबा सिद्दीकी साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने ये मालूम किया कि क्या इस तरह की कोई मीटिंग चल रही है। हमने कहा कि बाबा, हमने मीटिंग ले करके फैसला कर लिया और उसका ऐलान कर दिया कि कांग्रेस के साथ हमारा जो अलायंस था हम उसको तोड़ चुके हैं। उन्होंने पूछा कि आइंदा दिनों में आप क्या करोगे, हमने कहा कि हमने सारे दरवाजे खुले रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।